ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। हरियाणा के चुनावी मौसम के बीच में जिस तरीके से प्रचंड जीत के साथ फिर से सरकार बन रही है, हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो गई है। 15 अक्टूबर को नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। 12 अक्टूबर को दशहरे के बाद विधायक दल की बैठक। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंकित दानी, इसी बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी की 15 अक्टूबर को नए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और साथ में मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई जाएगी, क्या जानकारी है? 15 अक्टूबर को नए मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, क्योंकि उनका शपथ लेना तो फाइनल है, लेकिन 15 तारीख जो है वो हमारे सूत्रों ने बताई है कि 15 तारीख अभी फाइनल हो गई है और उसके हिसाब से पंचकुला के अंदर जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। और बड़े लेवल के ऊपर बीजेपी इसको करने की अब की बार कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था 2014 के अंदर भी जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो पंचकुला के ही ग्राउंड में, जो शालीमार ग्राउंड है उसके अंदर शपथ ग्रहण समारोह किया गया था और बड़े स्तर पर कई हजार लोग उसके अंदर, कई हजार लोगों ने शिरकत की थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके अंदर शिरकत की थी। तो अब की बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे और दूसरे प्रदेशों में जहां बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उसमें शिरकत करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और साथ ही मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। तो अभी ये तारीख जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि 15 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अंकित, ये भी बताइए, क्या रेस अभी से शुरू हो गई है, जद्दोजहद शुरू हो गई कि मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे होंगे, कौन से नाम होंगे, उनको लेकर भी बंधन का दौर चल पड़ा होगा, तो अभी क्या सूत्र जानकारी दे पाए हैं कि कौन कौन से नाम अभी रेस में है? बिल्कुल, नए मंत्रिमंडल को लेकर के लगातार जो जद्दोजहद है वो चल रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोबिंग भी चल रही है। और जो सूत्रों के हवाले से नाम आ रहे हैं वो निकल करके आ रहे हैं कि अनिल विज मंत्री भी हो सकते हैं, कैबिनेट मंत्री, और या फिर उनको उप मुख्यमंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है। एक दूसरा जो है राव नरबीर सिंह, जो कि 2014 से 19 में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो एक बार फिर से शपथ लेते हुए नजर आएंगे। विपुल गोयल, जो कि फरीदाबाद से चुन करके आए हैं, वो भी मनोहर पार्ट वन में जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, वो एक बार फिर से शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वहीं कृष्ण बेदी, जो वो भी मंत्री थे 2014 से 19 की बात करें तो वो भी शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। कृष्ण पवार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसराना से चुन करके आए हैं। वहीं महिपाल ढांडा, जो कि अभी पिछली सरकार जो थी उसके अंदर मंत्री थे, उनको फिर से मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। वहीं मूलचंद शर्मा, जो कि वल्लभगढ़ से जीत करके आए हैं, तीसरी बार जीते हैं, तो उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। अरविंद शर्मा, जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है, गोहाना से उनकी जीत हुई है, तो उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। उसके साथ ही आरती राव, जो कि साउथ हरियाणा से है और राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। उसके साथ ही डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो कि बावल से जीत करके आए हैं, राव इंद्रजीत के खास माने जाते हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। तो इस तरह से मिला करके कहीं ना कहीं एक रणवीर गंगवा का नाम शामिल है कि रणवीर गंगवा को मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है, वरना उनको स्पीकर ही दोबारा बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ हरविंदर कल्याण का नाम भी निकल करके सामने आ रहा है कि हरविंदर कल्याण को मंत्री भी बनाया जा सकता है या फिर उनका नाम स्पीकर, दोनों चीजों में चल रहा है कि स्पीकर भी बनाया जा सकता है या फिर उनको मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी भी सुगबुगाहट थी कि दो डेप्यूटी सीएम के साथ भी इस बार सरकार चलाई जा सकती है, बीजेपी में कैसी चर्चाएं वाकई में हो रही है? सीएम की चर्चा में कोई दम नहीं है, क्योंकि दो डिप्टी सीएम कभी भी बीजेपी सरकार नहीं बनाना चाहेगी, क्योंकि छोटा प्रदेश है और छोटे प्रदेश के अंदर
दो डिप्टी सीएम बीजेपी कभी भी नहीं बनाएगी और एक डिप्टी सीएम की बात निकल करके सामने आ रही है और वो भी वरिष्ठता के आधार पर, क्योंकि अनिल विज को हमने देखा था कि पहले वो मंत्री नहीं बने थे, उन्होंने कहा था कि वो काफी वरिष्ठ है, तो उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब उनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करके बीजेपी चुनाव लड़ी है, तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनको डिप्टी सीएम के पद से नवाजा जा सकता है और कुछ महत्वपूर्ण महकमे उनको दिए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही अगर होंगे तो एक ही अनिल विज डिप्टी सीएम होंगे, वरना डिप्टी सीएम का जो कंसेप्ट है वो हरियाणा की सरकार में अब की बार नहीं होगा। जी अंकित, वैसे तो पहले से तय हो गया था, पंचकुला की सरजमी से ही तय हुआ था कि हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, आगे जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, ये गृहमंत्री अमित शाह के शब्द थे कि हम यही चेहरा रख के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या अभी कोई संशय है इस नाम पे या बिल्कुल क्लियर है कि नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री होंगे एक बार फिर से हरियाणा के? ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है कि नायब सिंह सैनी के अलावा किसी और को प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है, और जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद कल भाजपा का प्रचंड बहुमत आने के बाद आज जब नायब सैनी ने सब लोगों से मुलाकात की है, वरिष्ठ नेताओं में उनमें प्रधानमंत्री है, उनमें गृह मंत्री है, उनमें रक्षा मंत्री है, उनमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, धर्मेंद्र प्रधान है, मनोहर लाल है, आज सबसे उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात करके अपना ग्रीटिंग्स जो है, अपने अभिवादन जो है वो उनको कहीं ना कहीं उनसे किया है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे, इस बात में कोई संशय नजर नहीं आता है, वरना कोई ना कोई चीज कोई ना कोई कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल जाती है, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा है कि कहीं भी कि नायब सैनी को हटा करके किसी और को मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। वैसे एक बात ये भी है कि बीजेपी अपने फैसलों से तभी मेरा सवाल चौंकाती है बीजेपी, इसलिए सवाल किया, बिल्कुल अपने फैसलों से चौंकाती रही है, वो चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो लगातार फैसलों से चौंकाती रही है, लेकिन क्योंकि मीडिया हरदम से ही जब हमने देखा है कि उनके जो आकलन होते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं मीडिया के आकलन, तो अब विधायक दल की बैठक जो है वो 12 अक्टूबर के बाद विधायक दल की बैठक होगी, दशहरा है 12 अक्टूबर को, और उसके बाद अब देखना होगा कि 12 अक्टूबर के बाद एक बार फिर से ही नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा या फिर कोई और चौंकाने वाला नाम, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, बहुत कम है, लेकिन चौंकाती है बीजेपी, सही कहा आपने, क्योंकि जब हमने देखा था कि मनोहर लाल को बदला गया तब भी नायब सिंह सैनी चौंकाने वाला नाम ही था, अनिल विज तो अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर गाड़ी पर सवार हो ही गए थे। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को फिर बता दें कि हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 12 अक्टूबर के बाद यानी 15 अक्टूबर को दशहरे के बाद यहां नई सरकार का गठन होता नजर आएगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई जाएगी 15 अक्टूबर को, पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, कई बड़े केंद्रीय मंत्री, साथ में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई बड़े और बीजेपी के चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। साथ में जानकारी है कि बीजेपी चाहती है कि शपथ ग्रहण समारोह भव्य होना चाहिए, प्रचंड बहुमत के साथ, जीत की हैट्रिक के साथ इतिहास बनाते हुए बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, और साथ में मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई जाएगी, कौन से चेहरे मोरे होंगे वो हम लगातार आपको सुबह से बता रहे हैं कि ये नाम रेस में चल रहा है।